Assalamu alaikum students, today I am going to deliver lecture on remaining question of unit 4, squares and square roots, exercise 4A. Question 3. Find the lowest number by which 21,168 must be divided in order to yield a perfect square. इस क्वेश्चन में सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे उसने क्या है, डिवाइड करना है. सबसे पहले हम 21,168 का फैक्टर्स मालूम करेंगे. अब ये भी क्या है, एक इवन नंबर है, तो हमने इसको 2 के साथ जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10584. फिर इसको 2 के साथ करेंगे तो क्या आ गया, 5292. फिर इवन नंबर है, इसमें के फिर 2 के साथ किया तो 2646 आ गया हमारे पास. फिर से इवन नंबर बन रहा है, तो जब हमने इसे किया 2 के साथ तो हमारे पास 1323 आया. अब क्या है, 3 आ रहा है, इसमें के ये एक ऑड नंबर है. जब हमने इसको 3 के साथ चेक किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 441. फिर इसको 3 के टेबल पे कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 147. फिर 3 के टेबल पे किया तो 49. अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर है, तो इसमें इनके 7 के साथ किया तो 7 ही आ गया, और फिर 7 वन 7. आपने हर क्वेश्चन में चेक करना है कि ये किस टेबल पे, यानी कि ये नंबर जोन सा है वो कट होगा. अगर अब हम इसके फैक्टर्स बना लें तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स स्पीड हो रहा है, 4 टाइम्स, इसमें इनके 2 के 2 पेयर्स बन जाएंगे. 3 कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स, एक पेयर बन रहा है, और एक 3 जोन सा है वो सिंगल है, और 7 के भी एक पेयर बन रहा है, यानी कि 7 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो द नंबर 2, 3, 7 इन पेयर, बट लास्ट 3 इज़ सिंगल. क्या है, स्टार्टिंग में 2, 3 और 7 के पेयर तो बन रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला नंबर क्या है, 3, उसका पेयर नहीं बन रहा. तो इसमें डेट के हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 3 है. सो 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3. 3 के साथ वो डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 7056, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर. क्वेश्चन 4. द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 15,876. इसमें कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीपल है, वो क्या है, 15,876 है, और एंड द लार्जेस्ट वन इज 9 टाइम्स द अदर. उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 9 टाइम्स ग्रेटर है. ठीक है, फाइंड दी नंबर, और हमने नंबर फाइंड करना है. सो अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन नहीं होता तो हम सपोज कर लेते हैं उसे एक्स पे. सपोज द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स, देन द अदर नंबर, अदर नंबर्स ने क्या है, 9 टाइम्स है. अगर किसी नंबर के साथ 9 टाइम्स लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है, वो उसका प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा उससे. तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उसमें क्या है कि उसने क्या, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि पहला नंबर क्या है x, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 9x है, किसके बराबर है, 15,876 के. अगर आप ये देखें, x मल्टीप्लाई 9x करें तो यहाँ पे x x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 एज इट इज रहेगा, यानी कि x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर. सो 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 15,876. अब देखें तो यहाँ पे 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या है, दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15,876 डिवाइडेड बाय 9. जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 1764. अब जब हमारे पास एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. जब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो इसमें इनके हमने 1764 का भी स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे. 764 क्या है, इवन नंबर है, तो हम इसको 2 के साथ पहले करेंगे. अगर हमने इसे 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया, 882 आया. फिर इसको 2 के साथ किया तो 441 आ गया. अब 441 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो हमने इसे 3 के साथ किया तो 147 आया. फिर 3 के साथ किया तो 49 आ गया. अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो हमने इसे 7 के साथ किया तो 7 7 49 एंड देन 7 1 7. उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके पेयर्स बना लेंगे. 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 2 टाइम्स है, फिर उसका स्क्वायर, फिर 7 भी क्या है, 2 टाइम्स है, तो 7 का भी स्क्वायर आ गया. जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो सबके स्क्वायर कट गए, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या बच गई, 2 × 3 × 7. सो 2 × 3 = 6, 3 × 7 equals to 42. अगर आपने चेक करना है कि आपका
आंसर ठीक है, तो इसके हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था एक्स, एक्स हमारा कितना आया है 42, अदर नंबर क्या है 9x, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 42, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 42 किया तो कितना आ गया 378। क्वेश्चन में क्या था कि ये दोनों नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 15,876। अब क्या है x मल्टीप्लाई 9x विच इज़ इक्वल टू x की जगह क्या आ गया 42 मल्टीप्लाई 9x की जगह क्या आ गया 378। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 15,876। क्वेश्चन 5, फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वेयर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24। एक परफेक्ट लोएस्ट स्क्वेयर नंबर फाइंड करना है जो कि डिविजिबल हो 12 से भी, 16, 20 और 24। अब ये क्या हमारे पास डिफरेंट नंबर आ गए हैं, तो इसमें कि हम सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। अब ये चारों नंबर क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, इसमें कि ये 2 के टेबल पर डिवाइड होंगे, टू 6 और 12, टू 8 से 16, टू 10 से 20 एंड टू 12 से 24। फिर से इवन नंबर यानी कि टू 3 से 6, टू 4 से 8, टू 5 से 10 एंड टू 6 से 12। फिर अब इसमें देखें तो हमारे पास दो फिर से इवन नंबर हैं, दो और नंबर हैं। पहले हम इसे फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अगर हम 4 को देखेंगे तो 2 से 4, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। और फिर लास्ट में क्या है 6, यानी कि 2 3 6। अब यहाँ पे हमारे पास फिर एक इवन नंबर बच रहा है तो फिर हम इसे 2 के टेबल पे कर लेते हैं, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 2 1 2, 5 भी एज इट इज़ और 3 भी एज इट इज़। उसके बाद हम कौन सा नंबर लेंगे 3, 3 1 3, 1 एज इट इज़ आ गया, 5 एज इट इज़ आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता। और लास्ट में क्या है 3 1 3। अब हमारे पास लास्ट नंबर बचा है 5, तो हम इसे 5 के टेबल पे करेंगे, सारे नंबर्स जो उनसे 1 वाले हैं एज इट इज़ आ जाएंगे और 5 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर अब हम इसका एलसीएम दें, द एलसीएम ऑफ 12, 16, 20 एंड 24 इज़ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया है 240। सो वी नीड अ लोएस्ट परफेक्ट स्क्वेयर, द नंबर 240 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर बिकॉज वी मस्ट फाइंड द लीस्ट मल्टीप्लायर दैट विल मेक 240 अ परफेक्ट स्क्वेयर। हमें एक परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए एक लीस्ट मल्टीप्लायर नंबर चाहिए। तो अब जब हमारे पास 240 आया है, अब हम इसका अगर प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो क्या होगा, 240 भी क्या है इवन नंबर, 2 के टेबल पे कट हो रहा है यानी कि 2 120 सा 240। फिर हमने 120 को किया 2 से तो वो 60 आ गया, फिर 2 को किया तो 30 आ गया, फिर 2 के टेबल पे किया तो 15 आ गया। अब 15 क्या है, एक और नंबर है, हमने इसे 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है 3 है, 3 से हमने किया तो 5 आ गया। सो 5 किससे कट होगा, सिर्फ 5 के साथ ही, तो 5 1 5। अब इसके हमारे पास फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। सो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो नंबर 2 इज़ इन पेयर, वो कैसे, 2 4 टाइम्स है, उसके 2 पेयर्स बन रहे हैं और 3 और 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो सिंगल वैल्यू रह जाएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने मल्टीप्लाई का कहा है। सो 240 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 15। 15 कैसे, हमारे पास दो सिंगल वैल्यू हैं 3 और 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 15 हो गया। सो 240 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू 3600 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हेंस 3600 इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24। जो 3600 है वो इन तीनों चारों नंबर्स के साथ डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन 6, द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर इज 794, द वन ऑफ द नंबर इज 13, फाइंड द अदर। ये बिल्कुल सेम पीछे क्वेश्चन जो हमने 4 किया था उसकी तरह का ही है। इसमें दो नंबर्स हैं जिसमें से एक नंबर उसने हमें 13 बता दिया है और दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है, और दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 794 है। सो फर्स्टली हम क्या कर लेंगे, सपोजा नंबर, 2 नंबर्स में से एक हमने सपोज कर लिया है x, और गिवन नंबर हमारे पास कौन सा है 13 है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा दो नंबर्स का सम, द सम ऑफ 2 स्क्वायर्स है। यहाँ पे अब स्क्वायर यूज़ हो रहा है, इट्स मीन के x का स्क्वायर है और दूसरा नंबर 13 का स्क्वायर का दोनों का सम होना चाहिए, वो किसके बराबर आ रहा है 794 के। अगर अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 13 का स्क्वेयर कितना होता है 169 इक्वल टू 794। उसके बाद क्या है, अगर यहाँ पे 169 पॉजिटिव है तो
इक्वल के साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 794 माइनस 169। जब हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625। अब जब स्क्वायर आ जाता है तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने दोनों पे स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 625। अब आपने सेम जिस तरह हम पीछे क्वेश्चंस का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, आपने इसी तरह 625 का प्राइम फैक्टर फाइंड करके इसका आंसर फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेम जिस तरह हम पीछे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिंपल वे में आपने सिर्फ इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जो जो स्क्वायर बनेंगे स्क्वायर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट के साथ कट हो गए, सिंपल मल्टीप्लाई करके आपने आंसर दे देना है, जैसे हम क्वेश्चन 1 और 2 में किया था। क्वेश्चन 7, अ गार्डन विद 7770 प्लांट्स, वांट टू अरेंज देम सो दैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांट्स इक्वल। एक गार्डन के अंदर 5770 प्लांट्स हैं, उन्होंने इन्हें रोज में इक्वली यानी कि अरेंज करना है। टू द टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, हर रो के अंदर इक्वल प्लांट्स होने चाहिए। When does so he discover that the number of plants fall short by 6, यानी कि अगर number of plants जो से हैं वो fall short हो रहे हैं 6 के साथ, find the number of rows, हमने rows को find करना है, the garden wants to make, ताकि हम एक garden को बना सकें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास कितने हैं, 5770 हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स फॉल शॉर्ट बाय कितने हैं, हमारे पास 6 हैं, तो हमारे पास टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू 5770 प्लस 6, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ गई हैं, 5776। अब जो हमारे पास आंसर आ गया, इसको आपने सिंपली इसके भी प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, और प्राइम फैक्टर्स के बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, जितने भी यानी कि स्क्वायर्स वाली वैल्यूज होंगे उनके स्क्वायर कर जाएंगे, और जो सिंगल्स वैल्यूज बचेंगे उनको आप मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ रोज बता देंगे। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 1 और 2 की तरह ही है, जैसा भी मैंने क्वेश्चन 6 पे भी कहा, ये भी वैसे ही सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, आपने इसको भी सोल्व करना है।